रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा, इसके ऊपर भी अपन सोच रहे हैं एक वीडियो बनाने का, तो वो वीडियो जल्द जल्द ही मैं पोस्ट करूँगा। तो हे, वेलकम टू अनदर स्पेशल ब्लॉग, दिस इज मी उत्कर्ष सिंह एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई चैनल जी एम पैरा। कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले, इसी कार से मैं गया था डीएल बनवाने के लिए, जो कि बन गया और अब एक दो दिन में आ ही जाएगा। मैसेज तो आ गया से डिस्पैच हो चुका है, घर पे आ ही जाएगा डीएल। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, इस अल्टो में दोनों चीज़ है, पेट्रोल और गैस, मतलब सीएनजी पे भी ये चलती है। पहले क्या होता था, पेट्रोल पे स्टार्ट करते थे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो हमने उसको डायरेक्ट करवा दिया उस पे सीएनजी पे, गैस पे। उसके बाद टेस्ट देने के लिए गए थे, नहीं तो वहाँ पे जाके बैंड बज जाते। तो अभी इसको वहीं पे लेके जा रहे हैं सर्विसिंग के लिए। मैकेनिक ने ऐसा कर दिया था, उसको डायरेक्ट कर दिया था सीएनजी पे, मतलब स्टार्ट होगी सीएनजी पे, पेट्रोल पे नहीं। तो अभी जाके और ये चेंज करवाना है। यार क्या होता हूँ इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करूँ। हाँ, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये सेक्टर 16 में है फ्लैट द्वारका, साइड में है वेगास मॉल। तो भाई ये डीडीए का है, और पता है इसका दाम क्या रखा है उन्होंने, 1.5 करोड़। नहीं, 1.16, मतलब 1.25 करोड़ मान लो। तो भाई इन्होंने इस बिल्डिंग का दाम इतना महंगा रख दिया यार, बहुत ज़्यादा है ये। मेरे हिसाब से ना लोकेशन पे डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि वेगास है आगे, ये देखो यहाँ पे ये वेगास बन गया, वेगास मॉल दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है ये, और साइड में ये बिल्डिंग है, तो इसका दाम बढ़ा दिया भाई, बहुत ज़्यादा ही कर दिया। लेकिन ऐसा करेंगे, उस सोसाइटी में जाके और ब्लॉग बनाएंगे, देखेंगे आखिर उसके अंदर जो रूम है वो कितना बड़ा है। तो कह रहे हैं शायद हर रूम के साथ एक बालकनी अटैच, तो मैं भी यार कुछ एरिया मतलब ज़्यादा होगा या फिर अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही, इतना ज़्यादा दाम है। अभी उस सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे और ये गाड़ी यहीं पर बंद। क्या करें यार, उस मैकेनिक को पकड़ के ना कान के नीचे दो लगाना चाहिए। जब पहले ही बोल दिया था ठीक करके देने के लिए, गैस पे भी कर दिया, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो चल गई ये, और हमने ये चेंज इसलिए करवाया था, मतलब गैस पे, क्योंकि कुछ दिन पहले इसमें पेट्रोल भरवाए थे, पेट्रोल और गैस टंके फुल करवाए थे, और हमने पेट्रोल पे चलाया नहीं, गैस पे चलाया, और फिर भी देखे तो पेट्रोल ख़त्म, पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो डायरेक्ट इसको गैस पे ही करवा दिया उस टाइम, क्योंकि मेरे को डीएल के लिए लेके जाना था इसको, मेरा डीएल बन गया, तो अभी जाके वापस इसको ठीक करवाना है। फिर से ये बंद। घर से कितना है, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, 2 से 3 किलोमीटर। दो बार ही बंद हो गया, बंद हो गया यार, यहीं पे बंद हो गई। तो अभी चलते हैं, बंद हो गई गाड़ी तो अभी चलते हैं, और पास में मैकेनिक बुला के लाएंगे, उसकी ऐसी की तैसी। ओ भाई बच गया, मेरी हालत यार, हालत खराब क्या हो गई, धक 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 चालू, पता है फोन ऐसे गिरा, रिकॉर्ड भी होगा, आसमान दिखा होगा स्क्रीन के बल, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखो ये बच गया भाई साहब, ये यूं गिरा था, और वो भी रोड पे गिरा था, मेरे को लगा इसका स्क्रीन जाएगा काम से, पर कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ना जब ऐसे गिरा ना, तो ये इस एज ने बचा लिया, अगर यूं गिरता मतलब थोड़ा सा भी एंगल टेढ़ा मेढ़ा होता तो कहीं ना कहीं से क्रैक आ सकता था। पर सही है भाई, व्लॉगिंग इसी से स्टार्ट किया है, जा गया कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे देखो यार, ये सब बेचने के लिए, बिकने के लिए, देखो फॉर सेल लिखा हुआ है ना, सही है खराब है सब। गाड़ी कितनी जबरदस्त है, एक नंबर की। यही है वो मैकेनिक, अब इसको अभी लेके चलेंगे ठीक करवाएंगे। ये जो स्विफ्ट है ना, कितना गंदा लग रहा है देखने में, पर इसको भी ऐसे चमकाएंगे ना, ऐसा लगेगा बिल्कुल नया है। इंजन को समझना पड़ेगा क्या क्या तामझाम है, ये रिले किसके लिए होता है, ये क्या चीज़ होगा, पता है इसको खोला था तो बिल्कुल वाइट था। एसी का है ये, तो सीएनजी के लिए भैया, किसके लिए होता है ये, फ्यूज होते हैं भैया, हेडलाइट का, एसी का, पंखे का, स्टार्टिंग का, ये वो भी फ्यूज ही है। जब बंदे की एज कम होती है तो उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है, वैसे ही गाड़ी की जब एज ज़्यादा हो जाती है तो उसमें भी कमी आ जाती है। अब फाइनली वो चेंज होगा, ये भैया है जो चेंज करेंगे। छोटा बड़ा नहीं है,
चलो ये पैक्ड है, वो तो खुला हुआ था, ये पैक्ड है और एलपीजी एंड एनजीवी सिस्टम यही कन्वर्ट कर देता है, मतलब ब्रेक करता है पेट्रोल और सी गैस को। पेट्रोल पे चलती है तो गैस बंद, गैस पे चलती है तो पेट्रोल बंद। पिछली बार लाए थे वो नहीं। इसमें पानी जाने का डर नहीं है ना? इसमें पानी ऐसे नहीं जाएगा, जब ये डिब्बी ऐसे उल्टी रहेगी ना। तो वही है ना उस कुत्ते को कह रहा था तो वही है ना, फ्लाइंग फिश घर पे जो रहता है वो छोटा भागने लग गया। मैंने तेरे को बोला, तेरे बेटे को बहुत तकलीफ हुआ। ये जो दिख रहा है ना, ये जो बीच में ये लगा हुआ तार डायरेक्ट हो गया, गैस से चल रहा था। अगर इसको निकाल दिया फिर दोनों से चल सकता है, बटन दबाते ही। फाइनली इंस्टॉल हो गया। ये देखो कबूतर बहुत कम दिख रहे हैं यार, मेरी सोसाइटी में भी बहुत कम दिख रहे हैं। दो तीन कबूतर गिरे हुए थे भाई, बर्ड फ्लू ने क्या से क्या कर दिया। मेरी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा ही कबूतर है, पर अब दिखते नहीं। ओम साई सर्विस स्टेशन, यहाँ से ठीक करवा रहे भाई। चलो लग चुका भाई, लग चुका, बंद होने का दिक्कत खत्म। तो फाइनली अब दोनों पे गाड़ी चल रही है, सीएनजी और पेट्रोल, मतलब सीएनजी पे चल रही है चेंज करने पे, फिर पेट्रोल पे चल रही है। पेट्रोल डलवा के पहले देखते हैं कि पेट्रोल सच में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मतलब सही है ना या नहीं है, कुछ किलोमीटर चलाने के बाद पता चलेगा। और पता है वो जो लगा रहा था ना, वो मतलब खुला हुआ पैकेट लेके आया था। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था उसने शायद देख लिया होगा, वापिस नया वाला लेके आया। अगर ऐसे हम गाड़ी छोड़ के जाते हैं उसके हाथ में तो भाई लगा सकता था डुप्लीकेट। घर आगे से लोगों को साइड करवा, साइड करवाओ, साइड प्लीज, साइड। हेलो हेलो साइड, घर पे मिलते हैं, बाय, सी यू। दो घंटा सो गया यार, दो घंटा सो गया, करी ठीक करा के आया था उसके बाद सो गया। पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं हो पा रहा यार, सो गया। अभी पुनीत का कॉल आया, चलते हैं पार्क, भाग भूक के आएंगे, आज मस्ती करके आएंगे। यस, शाम के 5 बजे। मैप मुझे बुला रहा है कि तू इधर आ, इधर आ घूम, इधर जा तू उधर जा, पर आइयो बाद में यहीं पे, मिलते हैं फिर बाद में। ये खरी बुलेट, इसके ऊपर वीडियो बनाना है। First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? Unbelievably painful. मैं सोच रहा था मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पर मैं लेट नहीं हुआ भाई, पुनीत अभी अभी पार्क में पहुँचा है। क्या सही सनसेट हो रहा है भाई, पार्क मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। किस पे भौंक रहा है भाई? मेरे पे नहीं भौंक रहा यार, मैं इस सामने वाले पार्क में ही जाता हूँ यार। यार ये तो स्कैम हो गया, मुझे लगा ये जो साइकिल है ना वो पुनीत की है, सेम कलर की है पुनीत के पास है, पर ये पुनीत की नहीं। तो मैं वो रोड, मेन रोड क्रॉस करके इधर आया और ये पुनीत की साइकिल नहीं है। उस पार्क से मैं 2 किलोमीटर उधर गया, फिर 2 किलोमीटर उधर से रेड लाइट से इधर आया, फिर मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे साइकिल में पेट्रोल डलवाया, और यहाँ अंदर आने पे पता चला यह पुनीत की बसंती है और पुनीत कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ? एक चीज़ कर सकता हूँ, फ़ोन मिला सकता हूँ, अगर नहीं मिला वो तो मैं खड़ जा सकता हूँ, अंदर स्कूटी भी ला सकते हो। चलो भाई, अपना पार्क ही बहुत सही है, पुनीत कल आएगा ना मैं उससे पूछता हूँ कहाँ गायब हो जाता है भाई। पता है आज बहुत हवा चल रही है यार, दिल्ली में सारे पार्क बंद हो गए, पर मेरे घर के पास जो पार्क है मैं उधर गया, पुनीत ने बुलाया था उस वाले पार्क में, तो वो भी खुला हुआ था। उससे पहले एक साइड में पार्क था वहाँ पर गया, वो भी खुला हुआ था, और ये वाले पार्क भी खुला हुआ है। पता नहीं कौन सा पार्क बंद है, पर करेंगे, इसको भी बंद करेंगे यार। बर्ड फ्लू एक नया ही वो आ गया, मैंने भी देखा, मेरी सोसाइटी में बहुत सारे कबूतर ऐसे उड़ते रहते, पर अब बहुत ही कम दिखते हैं। मे बी वो मर गए या फिर लोगों ने, पता नहीं यार, कुछ कह नहीं सकते, नो आइडिया। और यहाँ पे हवा चल रही है तो अब घर ही जाऊँगा यार,
रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा घूम के फिर घर चलते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो बाय, स्प्रेड लव एंड पीस। It was unbelievably painful.